वीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना वायरस का टेस्ट आज से शुरू किया गया है। आपको बता दें, सुबह से अब तक 80 लोगों ने कोरोना वायरस का टेस्ट बाबू जगजीवन अस्पताल में करा लिया है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना वायरस का टेस्ट होने से आसपास रहने वाले लोगों को काफी सुविधा भी मिली है। दिल्ली सरकार पर आए दिन लगातार यह आरोप भी लग रहे थे कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस टेस्ट बहुत ही कम संख्या में किया जा रहा है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी और लैब पर कार्रवाई करने की वजह से पूरी दिल्ली में टेस्ट की संख्या में भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब इन्हीं आंकड़ों को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना वायरस के टेस्ट की शुरुआत कर दी जाएगी। सुबह से यहां पर टेस्ट कराने के लिए लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 80 लोगों ने कोरोना वायरस का टेस्ट करा लिया है। अस्पताल खुलने से लोगों में काफ़ी खुशी भी है और लोग काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते बाबू जगजीवन राम अस्पताल के भी कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इस अस्पताल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और पूरे अस्पताल में अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन करा के इस अस्पताल को दोबारा शुरू किया गया। जी तो बाहर निकालिए।